ये जो बता रहे हैं कि सर लड़कों को भी रिप्लाई दे दिया करो, भाई देखो ऐसा है, ये रीति रिवाज है, लड़के लड़कियों को ही ज़्यादा रिप्लाई देंगे चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है? तो ये जो लिख रहा है कि सर लड़कों को भी रिप्लाई दे दिया करो, कुछ लकी लड़के हैं जिनको मैं दे देता हूँ, बाकी ये सालों साल से होता आ रहा है, होता है और होता रहेगा, लड़कियों को ज़्यादा रिप्लाई मिलता है यार। और अगर तुम देखोगे कोई, मतलब अब क्या बताओ, तुम ऐसा क्वेश्चन पूछ लोगे तो तुम्हें ऐसे फालतू ही जवाब मिलेंगे ना, फालतू क्वेश्चन का मैं और फालतू जवाब देता हूँ। बोल रहे थे ना कि लड़कियों को सर रिप्लाई देते हो, अब करता हूँ क्या करोगे, अब मैं एक्सेप्ट भी तो कर रहा हूँ, मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं यार मैं लड़कों को रिप्लाई देता हूँ, मैं देता हूँ यार, मन करता है मेरा दे देता हूँ, तुम्हारे को क्या। और ये चीज़ पता है कि अभी देखो मेरे जो 30,000 फॉलोअर है ना, उसमें मैं तुम्हें सच से सच्ची बात साफ साफ बताता हूँ, 78% लड़के हैं। तो 78% मतलब समझ रहे हो, अगर मैथमेटिक्स करके निकालोगे तो कितने हजार लड़के हैं, उतने में से मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ लड़कों को रिप्लाई देना बहुत कम रहता है। अगर मैं 10,000 को भी दूं तो 15,000 बच जाते हैं, और सिर्फ 22% लड़कियां हैं। तो ठीक है, जो पॉपुलेशन कम है उनको खुश रखो ताकि वो छोड़ के ना भाग जाए, समझ रहे हो? नहीं ये तो बस मजाक था, मैं तुम्हें यार मैं ऐसे मजाक तो करता रहता हूँ, लेकिन करते करते कुछ इम्पोर्टेंट बात भी बता जाता हूँ यार। कभी ना मैंने देखा है आजकल बहुत ज़्यादा नोटिस किया है लोग, क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, ये चल रहा है, पॉलिटिक्स लेके डिस्कस करते हैं। अभी एक बात सुन लो, पॉलिटिक्स लेके ना कभी डिस्कस मत किया करो, क्योंकि पहली बात तो ऐसा है तुम किसी भी इंसान का पॉलिटिकल ओपिनियन बदल नहीं पाओगे, मैं बता रहा हूँ। मतलब कुछ चीज़ें होती है ना, इनफैक्ट किसी भी इंसान का अगर किसी चीज़ से रिलेटेड ओपिनियन है ना, अनटिल एंड अनलेस वो खुद कुछ गलत एक्सपीरियंस करे अकॉर्डिंग टू इट, वो नहीं समझेगा, वो नहीं सुधरेगा। तो एक्चुअली क्या होता है ना, ये जितने भी डिस्कशन हैव इट अमंगस्ट पीपल जिनके साथ आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड हो, वरना क्या होगा ना कि अब क्या है, जिसके साथ स्ट्रांग बॉन्ड है उसमें आप डिस्कशन करोगे तो 4 मिनट बाद वो खुद ही बोल देगा कि अरे छोड़ना ये बकवास क्या कर रहा है, चल अपना वो करते हैं, ठीक है? लेकिन कभी कभार हम क्या करते हैं, एनी बडी और एवरी बडी वी नो वी ट्राई टू फोर्स आवर ओपिनियन ऑन देम। मत करो यार, जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा इतना सुन के वो जाके कुछ अपना वोट बदल देगा क्या? और मैं तुम्हें एक सच बात बताता हूँ, जिंदगी में एक चीज सीख लो, दुनिया में कोई भी आ जाए, देर विल बी ऑनेस्ट लीडर्स, देर विल बी डिसऑनेस्ट लीडर्स, मोस्ट विल बी डिसऑनेस्ट। जो तुम्हारे जो अब मैंने जितना मतलब पॉलिटिक्स पढ़ा है या देखा है, तो ऐसे लोगों को लोगों के लिए ना बोलना भी मत की। और फिर क्या करते हैं ना लोग, जस्टिफाई करते हैं कम से कम उनसे तो बेटर है। अबे पॉलिटिक्स में सब बेकार है, सब, कोई तुम्हारा नहीं है, सबका एक ही चीज है, दे जस्ट वॉन्ट टू कम टू पावर एंड यूटिलाइज यू, सो डोंट गेट बॉदर्ड बाई देम, जस्ट कास्ट योर वोट अकॉर्डिंगली, और यू नो दिमाग लगा के कि तुम्हें क्या सूट करता है, व्हाट सूट्स यू, डू इट फॉर योर ओन बेनिफिट, ये क्या होगा वो क्या होगा ना कुछ फायदा नहीं। और अल्टीमेटली क्या बता रहा हूँ, तुम अपने बेनिफिट के लिए करो, दूसरे के बेनिफिट के लिए करो, बेनिफिट तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो सिंपल चीज है, ये पॉलिटिक्स लेके डिस्कस भी मत किया करो, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी, यू विल नेवर गेट इन टू फालतू के आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है? तुम्हारा खून भी नहीं जलेगा, बिकॉज यू विल सी ना, जितना पढ़ते रहोगे दोज टाइम्स वेयर पीपल रियली हैड द करेज टू स्टैंड अप बाय द रॉन्ग एंड डू द राइट थिंग इज गॉन, ठीक है? ये कलयुग है, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो छोड़ दो। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों को ही देख लो, हम लोग इतना बोलते रहते हैं ना कि यार ये चीज़ नहीं हो रहा है, वो चीज़ नहीं हो रहा है, यहाँ ये गलत हो रहा है, वहाँ वो गलत हो रहा है, यार हम खुद कितना फॉलो करते हैं, आर वी दैट ऑनेस्ट दैट वी आर फॉलोइंग? नहीं, नहीं करते हैं, बहुत मुश्किल से करते हैं, ठीक है? तो ये चीज है कि दूसरों को देख के ना कि वो ये नहीं कर रहा है, वो यो नहीं कर रहा है, वो भी छोड़ दो, कंप्लेनिंग, ट्राई टू इंप्रूव योर सेल्फ डेली, दैट समथिंग दैट यू कैन डू, ठीक है? सो इफ यू कैन इंप्रूव योर सेल्फ, दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू, सो जस्ट इंप्रूव योर सेल्फ, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स दैट्स गोइंग ऑन, मत करो, ठीक है? जस्ट लीव इट, ठीक है? अच्छा सर, मैं
ये कौन है बीच में से आ रहा है सर, मैम कैसे हैं सर, तुम्हें बड़ी चिंता है, अच्छी है, शी इज़ गुड एंड रियली हैप्पी, मतलब मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ कि रियली हैप्पी, बाकी या वी जस्ट ब्लेम, सी बरखा इज टेलिंग दैट वी जस्ट ब्लेम एंड इट्स नथिंग, यू नो व्हाट वी कैन डू इज टू वर्क हार्ड, चेंज थिंग्स दैट वी कैन एवरी डे. अभी मैं कुछ भी होता है ना, कुछ भी चीज़ हो जाता है देश में, कुछ भी हो जाए, आ जाते हैं लोग कि सर आपको ओपिनियन क्या है, अबे क्यों मेरे ओपिनियन से क्या बदल जाएगा ये बताओ, मेरे ओपिनियन से सर जस्ट बिकॉज यू एवरीबडी नोज यू शुड हैव एन ओपिनियन, नहीं यार, फर्स्ट ऑफ ऑल टेलिंग अबाउट एनीथिंग बिकॉज देयर आर थिंग्स विच आर हैपनिंग ऑन ग्राउंड, ठीक है, मैं ऐसे चीज़ों पर ही बोलना पसंद करूंगा जो लोगों को इकट्ठा करे, दैट यूनाइट्स पीपल. I don't want to speak on things that divides people because that is a reason, that is a game that is being played by people above. और हम लोगों के ऊपर वही चल रहा है कि वो ऐसा गेम खेल रहा है कि हम ऐसे मुद्दे पे चर्चा करें और आपस में बटे, तो मैं ऐसे मुद्दे पे क्यों बात करें, नहीं, you know another, you know me telling something on that influences maybe 5 people, 10 people who are genuinely in love following me, they will get influenced by what I have told. It's not correct. It's better they have their own opinion. They understand कि क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है, तो ये तरीका है. हाँ वही बात है, हम opinion देंगे तो कुछ बदलेगा नहीं, सही बात है, सोच बदलो अपना, ठीक है, अपना बदलो, अपना करो, देखो अपने आप एक दिन तुम पता ही क्या, हम में से कोई कितने लोग ऐसे होंगे जो कल को उस पोजिशन में पहुँच जाएंगे, चेंज दैट, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अगर किसी ऐसे पोजीशन में पहुंच सकूं जहां आई कैन चेंज थिंग्स, आई विल चेंज इट, दैट इज व्हाट आई कैन डू, एंड देन आई विल टेल पीपल व्हाट इज करेक्ट व्हाट इज नॉट, बिकॉज आई हैव टू माई सेल्फ स्टैंड फॉर व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज नॉट, ठीक है. सर आपकी एनडीए में भी मैम थी क्या? बेटा तुम कौन हो? एनडीए में भी मैम थी क्या? मतलब ये बोलूंगा नहीं कुछ, कोल्ड कॉफी के किस्से सुना सुना के मरने वाला हूं, यहां पे पूछ रहे हैं एनडीए में भी मैम थी क्या. ऑल दोज हु एक्चुअली हैव एनडीए एग्जाम टुमारो गो एंड रिवाइज, मोटिवेशन वोंट हेल्प. यार ठीक है, मोटिवेशन वोंट हेल्प इन एनडीए, बट मैं तुम्हें अगर बता रहा हूं, अगर तुम अभी रिवाइज कर रहे हो इट वोंट हेल्प इधर, समझ रहे हो? कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी, अभी सिंपल जाना है, पेपर देना है. मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं सीनियर थे, सीनियर नहीं थे, एक ऑफिसर था, वो एक दिन पहले एग्जाम से उससे पूछा गया, एनडीए में था मैं ट्रेनिंग के टाइम, कि सर कल हम लोग मतलब कल ऐसा क्या प्रिपेयर करके, आज ऐसा क्या प्रिपेयर करके जाए कि कल सर हम लोगों का बेटर होगा. यू नो व्हाट ही टोल्ड? बोला देखो अब तुम कुछ भी प्रिपेयर करके जाओ, कल कुछ नहीं कर पाओगे. और दूसरी बात, कल के लिए तुम एक काम कर सकते हो. क्या? हमने पूछा सर क्या? सर क्या मतलब? हमें लगा आप तो कुछ बताएगा, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बताएगा, अब तो हम एक ही क्वेश्चन मिल जाए तो पास हो जाते हैं एनडीए में, मतलब ऐसा ही सोचते हैं, एक भी क्वेश्चन मिल जाए ना उसको ऐसा लिख देंगे जैसे कि वही 50 नंबर का क्वेश्चन है. ठीक है, तो हम उसी का वेट कर रहे थे कि कुछ तो बताएगा. उसने एक ही चीज बताया, पेपर में जाना. ठीक है, 5 बार अपने स्क्वाड्रन का नाम चिल्लाना, इससे कुछ फायदा तो होगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें लगेगा कि तुम पेपर में कुछ करके आए हो. समझ रहे हो बात? जाना, 5 बार चिल्लाना, तो जब लौट के आओगे यू विल नो दैट यू ट्राइड योर बेस्ट.